सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ताजा मामला नर्मदापुरम जिले का है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले अपराधियों पर पुलिस प्रशासन ने मिलकर कठोर एक्शन लिया है। वारदात में शामिल चार मुख्य आरोपियों में से दो को गिरफ्तार किया जा चुका है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर ही अपराधियों के घरों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई भी की गई है। रोहित मोबाइल की नई पेशकश, बजाज SDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाएं, तो क्रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री बनने के बाद से अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं। सीएम बनने के दूसरे दिन ही मोहन यादव के निर्देश पर भोपाल में BJP कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी के घर पर बुलडोजर चला था और उसी दिन उनके गृह जिले उज्जैन में मांस बिक्री करने वाले दुकानदारों के अवैध दुकानों को बुलडोजर चलाकर तोड़ा गया था। इस प्रकार सीएम मोहन यादव भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर अपराधियों पर सख्त एक्शन लेते नजर आ रहे हैं और उनकी ही तरह से बुलडोजर एक्शन पर भरोसा जता रहे हैं। काम करने वाली 22 वर्षीय युवती के साथ 25-26 की रात आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़ित युवती ने मंगलवार शाम को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होते ही नर्मदापुरम पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार में से दो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को राजस्व और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर उनको तोड़ने की कार्रवाई की। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट संपदा सर्राफ, तहसीलदार देवशंकर धुर्वे, SDOP पराग सैनी सहित अन्य पुलिस और नगरपालिका का अमला मौजूद रहा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार बुलडोजर कार्रवाई से संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मध्य प्रदेश में क्राइम कंट्रोल करने के लिए सरकार अब बुलडोजर एक्शन अधिक से अधिक लेगी। कल शाम को थाने में एक सूचना आई थी, एक लड़की है 22 वर्षीय, उसने बताया कि मैं ट्राइडेंट जो बुधनी में कंपनी स्थित है उसमें काम करती हूँ, और वो जब वहाँ से वापस लौट रही थी, वो अपने दोस्त के साथ वापस लौट रही थी, उनकी नाइट की शिफ्ट थी, तो करीबन 12 बजे के लगभग जब वो नवदा ब्रिज पार करके BTI रोड तरफ आए, तो उसके कहे अनुसार कि वो वहाँ रुके और झाड़ियों में कुछ अपना रिलेशन बना रहे थे। उसको देखते हुए चार लड़के वहां से गुजर रहे थे, दो बाइकों पे, उनने वहां पे उन लोग को देखा, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि बताया लड़की ने कि वो परिचित थे घर वालों से, तो उन चारों लड़कों ने इनको ब्लैकमेल किया कि हम आपके घर में बता देंगे क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हो। उसको लेके फिर इनका वहां विवाद हुआ थोड़ा, उसके बाद उसके अनुसार यहाँ पे 376D का अपराध बना है जो कि हमने कायम कर लिया है। अपराध कितने लोगों के द्वारा किया गया है? ये जो बताया गया है वो चार लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें दो नाबालिग हैं और अभी दो अज्ञात हैं। क्या प्रोफाइल है सर इन लोगों की? प्रोफाइल अभी ये लोग दो जो नाबालिग हैं वो नॉर्मली दुकानों पे काम करते हैं और बाकी दो लोग अभी अज्ञात है जिनके बारे में। आज अभी मौके पे आकर सर्वप्रथम जो भी इनके अवैध निर्माण है उन पे उनका अतिक्रम हटाया जा रहा है। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याव के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959, 8818158811।